बड़े तेज हो रहे हो। रानी कौन है? रानी लामो रानी जगीरे की पूरी औकात पता चल जाएगी कितनी चढ़ सकती नहीं चढ़ सकती। दिस इज जंगला पैलेस। ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं। मेरे को पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है। हाइट और अंदर इधर क्या है उसकी? फट रही है बहुत बुरी वाली। अच्छा बड़ो बड़ो मैं इसलिए बंद नहीं कर रहा हूँ ताकि जो यहाँ पे भूत प्रेत है गाइस वो किसी को पकड़े, मेरे को नहीं। आए हाय मजे। इस बात कुछ ऐसी है, हम ले नहीं जा रहे हैं, ले जाते रहे लेकिन उससे पहले जांगला पड़ता है जो कि टाउन है, वहीं हम आज रात को स्टे करेंगे। पदम में स्टे करने का था लेकिन हम जल्दी पहुंच गए तो हमने सोचा कि हमारे पास टाइम है थोड़ा, वो खींच लेते हैं, रोड अच्छी है, सुबह हमको इतना लौटना पड़ेगा ले के लिए स्टे करने के लिए। डेस्टिनेशन अच्छा मिल जाएगा तो और खींच लेंगे गाड़ी, क्योंकि रोड अभी नहीं बनी है तो उस हिसाब से बाइक और थोड़ी चल जाएगी, उससे हमें कोई प्रॉफिट है। सुबह अपनी बाइक नहीं चलानी पड़ेगी इसलिए बाइक को। मक्खर रोड है जैसा कि आप देख रहे हो और ये जो वैली है उससे भी खूबसूरत है और से भी, ये दोनों चीज़ कॉम्बिनेशन बैठता है ना, जब जाकर किसी मोटर राइडर का बाइक राइडर का कोई मन अच्छा लगता है। अपनी लाइफ को ऐसे ही इन्जॉय करो, मैं यही कहूँगा। मज़ा आया अपनी लाइफ को इन्जॉय करने में और लेह लद्दाख के टूर पे जिंदगी एक बार आओ ज़रूर आओ। बहुत से लोग ज़रूरी नहीं होता गाइस कि आप टीन एज में ही आओ, बहुत से अंकल को देखा मैंने 50 अबव अंकल भी आते हैं बाइक लेके बहुत से मस्त मज़े से, और गाड़ियों के अंदर कारों के अंदर तो आते ही हैं, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो फैमिली के साथ में आते हैं। बाकी बाइक के साथ जो मज़ा है ना वो कार और बसों में कहाँ, ऐसे नज़ारे देखने के लिए आपको बसों में थोड़ी दिखेंगे भाई साहब, कारों में थोड़ी दिखेंगे ऐसे नज़ारे, बाइकों पर दिखेंगे। और बाइकें ऐसी रोडों पर चलाने में मज़ा ही कुछ और है, खुद से चलाते हो ना आप लोग मज़ा आता है। और ये रोड आपने जो जंस्कार वाली रोड से जो हम लोग आए हैं, पदुम से पहले जो रोड थी जो ऑफ रोड थी, वो भी आने वाले 2 साल बाद ऐसी ही बन जाएगी। अभी टाइम लगेगा क्योंकि बहुत से नीचे से जो डैम है वो बनाए जा रहे हैं ताकि वाटर जो है वो रोड पे ना आए, क्रॉस हो जाए। जैसे इस रोड पे वाटर नहीं आ रहा है, नीचे से बहुत सारे डैम बना रखे थे, ऐसे ही डैम उस रोडों पे भी बन रहे हैं और मज़े से चल रही है वो भी, और रोड वो भी बन रहा है, काम जोरों से चल रहा है, बहुत फास्टली चल रहा है। लेकिन सर्दियों के अंदर उस काम को रोक दिया जाता है बिकॉज बर्फ़ होती है, 2-3 महीने काम रोक दिया जाता है, उसके बाद वापस शुरू किया जाता है। सो अगर आपको ऑफ रोडिंग नहीं पसंद है ज़्यादा और आपको आना है यहाँ पे तो 2 साल बाद ही आना, अगर इच्छा हो जंस्कार आने की। बाकी खालसा वाला जो रोड है कारगिल से खालसा ले, वो रोड बना हुआ है ऐसा पूरा, आप उस रूट से आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्यू उस रोड पर भी है लेकिन एडवेंचर का रूट यही है, देखने का रूट यही है, मज़ा इसी रूट पे है। आना हो तो ज़रूर आइएगा। अभी शेख आगे जा रहा है बिकॉज़ मेरी गाड़ी स्लो कर ली मैंने, और क्योंकि मेरे को व्यू देखने का मज़ा कुछ ज़्यादा आ रहा है सो मैं व्यू देखता देखता चल रहा हूँ। क्योंकि हमारे राजस्थान में पहाड़ है लेकिन ऐसे मिट्टी वाले पहाड़ नहीं भाई साहब, ऐसे खूबसूरत पहाड़ नहीं है। सो गाइस यही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जांगला तक, और यहाँ करवानी है एंट्री, सो एंट्री करके चलते हैं आगे, पूछते हैं अंकल से आगे कितना जा सकते हैं, कितने आगे रास्ता ऐसा ही अंकल, ऐसा पक्का रोड नहीं है और डायरेक्ट ले पहुंच सकते हैं आज नहीं पहुंच पाएंगे भाई, गाड़ी को 8-9 घंटा लगता है, आप लोग 6-7 घंटा तो आप लगे लगे फयाज। यस फयाज, तो अंकल आगे रुकने का कोई साधन? अभी लिंक शेड देखे। लिंक शेड कितना दूर है यहाँ से? 2 घंटा। लिंक शेड पहुँचने 2 घंटा लगेगा। 1:37 later। हमारा प्लान कुछ ऐसा बना है, अभी हम आगे नहीं जा रहे हैं, ये जांगला के अंदर ही स्टे करेंगे होम स्टे में किसी में, और यहीं रुकेंगे आज रात को। और उससे पहले अभी हम ऊपर जाकर आएंगे पैलेस, एक अच्छा पैलेस है, वहाँ जाकर आएंगे, इसकी अलग ही हिस्ट्री हम आपको बताते हैं अभी।
और देखते हैं कोई होम स्टे अच्छा सा मिलता है तो वहीं रुकेंगे, क्योंकि अगर हम लिंक साइड जाते हैं यहाँ से 2 घंटा आराम से 60-70 किलोमीटर कवर तो कर लेंगे, बट कवर करने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप अगर घूमने के लिए निकले हो और आपको कोई चीज़ धमकी ना मिले तो सुनिए, इसलिए हमें सोच रहे हैं कि पहले विलेज के अंदर जाएं, उसके बाद लोकल एक्सपीरियंस भी मिलेगा हमको, वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमने किसी होम स्टे हमने नहीं किया अभी तक कहीं पे भी, चाहते हैं हम उधर से कट हो सकते हैं, हम वापस रिटर्न में जा रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा नहीं था हम कि यहाँ पहले से हमको पता चला चेक पोस्ट पे कि पहले से, अब वो चीज़ कवर करने के लिए हमको आज पूरा नाइट में स्टे करेंगे, क्यों बिकॉज नाइट में बाइक चलाना खतरे से खाली नहीं है भैया। यही जांगला पैलेस का गेट है जहाँ से कि मुझे जाना है ऊपर, यही गेट है साइज, गेट काफ़ी सुंदर है। अभी चलते हैं ऊपर, देखते हैं ऊपर के नज़ारे क्या सीन है, ऊपर क्या नहीं है, अभी आने वाला है काफ़ी मज़ा। हमें जाना है वहाँ टॉप पे ऊपर, देखते हैं जाने में लग जाएगा टाइम। और यहाँ नेटवर्क आ नहीं रहा है, जियो वगैरह हमारा कोई सी सिम का नेटवर्क नहीं आ रहा है, और मेरे को हो रहा है धक धक, बिकॉज रुक के क्या ही मतलब जब आपको यहाँ पे नेटवर्क वगैरह कुछ हो ही ना किसी जगह। मोइन को कह रहा हूँ चलने के लिए बट वो चल नहीं रहा है, देखते हैं अभी क्या होता है। मैं तो मेरा वो इरादा है कि इसको एक्सप्लोर करके और निकलेंगे के लिए लिंक शेड के लिए। बस ये कहा जाता है जो ये पैलेस है यहाँ के, जो जांगला जो वैली है यहाँ पे, जो राजा महाराज राजा रहा करते थे पहले के, ये उनका बनाया हुआ है प्लेस है। देखते हैं कैसा बना रखा है उन्होंने, हमें भी जानने की थोड़ी सी इच्छुकता। सो गाइस होम स्टे के लिए की वाला घर है, लेकिन पहले हम लोग जाएंगे ऊपर। ये ऊपर वैली पे जाने का रास्ता कौन सा, यही है? ओके थैंक यू जुले। सो गाइस आंटी से पूछा है रास्ता, और होम स्टे का इन्हीं के पास है, पहले ऊपर जाके आएंगे उसके बाद नीचे आएंगे। आ रहे क्या हुआ, चाबी किसके पास है, चाबी दे देंगे वो। कि क्या नाम है, रानी? ठीक है। सो गाइस अभी आंटी ने बताया कि यहाँ पे लामो रानी करके एक नाम है, कोई शायद यहाँ की रानी हो सकती है इनकी। सो उनसे चाबी लाने के लिए बोला है कि आप उनसे चाबी ले लीजिए और चाबी लेके आप जाइए तो अच्छा होगा। तो अभी हमको बोला है कि चाबी ले लो और फिर जाके उसको गेट खोल के आप अंदर जा सकते हो। लामो रानी, रानी कौन है, रानी ऊपर ऊपर मिल जाएगा। हाँ ऊपर जाना पड़ेगा। ओके थैंक यू, तो आगे जाके पूछते हैं वापस से, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया ऊपर तो हम लोग आ गए हैं, लामो रानी कौन है। ओ आंटी यार, रानी कौन है, रानी कौन, रानी लामो रानी, लामो रानी आऊं उधर से। कौन सा ऊपर वाला घर, ऊपर वाला झूले झूले। अभी आंटी ने बताया वो ऊपर वाला घर है उनका, सो जा रहे अभी वहीं ऊपर जा रहे हैं लामो रानी के घर पे, उनसे वेला की चाबी लाने। गाड़ी यहीं खड़ी करूँगा मैं, आगे नहीं लेके जाऊँगा, रास्ता उनका सही नहीं है। सो गाइस यही ऊपर वाला घर है लामो रानी का, जाके बात करेंगे
देते हैं चाबी या नहीं देते हैं, मिल के आते हैं। लामो रानी, रानी का घर ये, वो वेला जाना था। चाबी आप बोला, आंटी बोली चाबी आपके पास। हाँ अभी जाना है, यहाँ से जाएगा रास्ता। ओके, कोई अंदर दिक्कत तो नहीं है? अंदर दिक्कत कुछ नहीं ना? दिस इज मेन रोड, बाहर से है, इनकी पीछे साइड से। एंड दिस दी रूम फॉर दिस। वहाँ और कोई है? वहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं है, ओके थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? स्टैनली। थैंक यू भैया। देन यही रूट जाएगा? यही रूट जाएगा। ठीक, ओके। राजस्थान? नहीं नहीं, अभी हम लोग कारगिल से आ रहे हैं। आपके पास है होम स्टे? ओके, हम आते हैं फिर बात करते हैं आपसे, ठीक है। सो गाइस, भैया ने भी ये दिए चाबी, ये रास्ता बहुत बेकार है, वहाँ से लेना उस जगह से। जा मैं पीछे हूँ, धक्का मार दूँगा, चल आज इसका पता चल जाएगी, आज इसकी। सो गाइस, आज जगीरा की पूरी औकात पता चल जाएगी, कितनी चढ़ सकती, नहीं चढ़ सकती है। सो चढ़ गई, चढ़ गई, चढ़ गई, ओके फाइनल चढ़ गई। अब अपने पैंथर की बारी, अपनी भी पैंथर का। अपनी भी पैंथर चढ़ गई। सो बुलेट से तो, रॉयल एनफील्ड से तो एक नंबर है, चाहे 500 आ जाए, चाहे 600 आ जाए, घंटा किसी को नहीं देती, सीधा निकलती है। सो जावा इज बेस्ट चॉइस। जो आप नीचे वो दूसरा रास्ता देख रहे थे, वो जो आंटी से अपन ने बात कर दी, उधर से आप सीधा आ सकते थे, लेकिन चाबी लेने के लिए हमें इधर आना ज़रूरी है। भले आप कोई भी आओ, चाबी यहाँ से लेके जानी पड़ती है। हमें रुकना यहाँ था गाइस, और वो चला गया वहाँ आगे। सो गाइस, जाते हैं अंदर, गाड़ियाँ पार्क करेंगे। यहाँ पे और भी गाड़ी आई है, और जा रहे हैं अभी हम लोग ऊपर, और हमारी दोनों गाड़ियाँ यहीं पार्क करी हम लोगों ने। और शेख कुछ पढ़ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम भी पढ़ेंगे और आपको भी बताएंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। और पीछे का व्यू देख ही रहे हो, कितना प्यारा आ रहा है, और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। शेख देखो कैसा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन मेरे को ऊपर जाने में थोड़ा धक-धक हो रहा है। मेरे को धक-धक नहीं करता भैया, इसको धक-धक नहीं कर रहा है, लेकिन कल रात को टेंट में इसकी वाट लगी पड़ी थी। ये छोटी सी गली, इससे जाना है ऊपर, और ऊपर चढ़ते हुए सांस फूल रही है बहुत ज़्यादा, इस वजह से मैंने अपना जैकेट खोल दिया है, देखो सांस कुछ ज़्यादा फूल रही है और गर्मी लग रही है ना। जो जैकेट है वो मैं रखूँगा यहाँ पे, ऊपर से आधे टाइम लेंगे। सो गाइस, काफ़ी मज़ा आ रहा है, लेकिन ऊपर चढ़ते हुए सांस फूल रही है, और व्यू देखने में ऐसे और ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ऊपर टॉप अभी चढ़ने में हालत ख़राब हो रही है, लेकिन ऊपर टॉप से व्यू दिखाऊंगा मैं आपको। व्यू काफ़ी बढ़िया है, फुली ग्रीनरी है, और सैंड से भरा पहाड़ है जो काफ़ी अच्छा है। हवा चल रही है ठंडी ठंडी, लेकिन फूल रही है सांस, ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं, है ना शेख? बिल्कुल। हम लोग पहुंच चुके हैं क्लोज, यही है। थोड़ा मेरे को पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है, आई डोंट नो, बट डर लग रहा है मेरे को थोड़ा बहुत। दैट्स व्यू, ये जंस्कार रिवर बीच में जो देख रहे हो, और पूरा का पूरा व्यू देखिए। यह है जांगला जो पड़ता है जंस्कार के अंदर, पूरी जंस्कार वैली है। और जंस्कार में कम से कम आपको बताया ही था शेख ने, 20 से 25 वेली है यहाँ पे। सो किस किस का नाम ले, और वो देख रहे हो वहाँ पे हेलीपैड बना रखा है, जो गवर्नमेंट के लिए बना रखा है। सीधी सी बात है, रोड तो बनती ही नहीं है टाइम से, लेकिन सरकारों को अपने लिए पूरी सुविधा पहले चाहिए, अपने लिए होम टाउन जल्दी से बना लेते हैं, लेकिन हमारे लिए रोडें नहीं बनती टाइम से। और नीचे का व्यू देख ही रहे हो, लोग बाग खेती करते हैं यहाँ पे, कितना मस्त लग रहा है यहाँ से देखने में, ग्रीनरी बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और हम लोग उस वाले गेट से आए थे, आपको जैसा बताया था हम लोगों ने, और ये किला यहाँ का, जो अब हम जा रहे हैं अंदर, और मेरे को लग रहा है डर,
मेरे को जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन शेख ज़बरदस्ती कह रहा है चल चल चल। जैसा कि आप देख रहे हो, अभी हमारी सांस फूल रही है और फयाज को डर लग रहा है अंदर जाने से कि पुराने लोग होंगे, उस हिसाब से डर लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, देखो डर तो हर जगह लगता है, आप जहाँ भी जाओगे, अगर हम आपको वो चीज़ अगर आए हैं इतने ऊपर और आपको वो चीज़ बताएंगे नहीं तो कोई मतलब नहीं तो ऊपर आने का। अंदर जाके देखते हैं, रूम उनको बताएंगे, उनके बाथरूम बताएंगे, उनका जो किचन है वो बताएंगे, लोग कैसे रहते थे वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। देख चलो चलते हैं हम। हाँ, ये उस टाइम का किला था, एक तरह से पहले से। इधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ नहीं है, चलो उधर चलते। हाँ, डर लग रहा है, खोल। डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। अरे खोल, कुछ नहीं होता, जा पागल, तगड़ा डरता है। कैमरा लेने पर करता हूँ कैमरा। अरे खोल, मेरे को डर लग रहा है, लेना मैं पकड़ता उसको। खोल तो दे। तो गाइस, ये एक तरह से उस टाइम का, अब क्या चीज़ है पता नहीं चल रहा, ये क्या चीज़ था। मेरे हिसाब से ये टीवी है, टीवी तो नहीं थी, टीवी है, टीवी कुछ और ही है, उस तरह से अलार्म हो सकता है, ये मुझे देर लग रहा है। आओ ऊपर आओ, आओ हम ऊपर जाके दिखाते हैं। उस टाइम जो घरों की हाइट थी ना बहुत कम थी, ये सीढ़ी आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये लिविंग रूम था उस टाइम का, पूरा लिविंग रूम है। और अंदर इधर क्या है, हाँ ये देख, खाना एक तरह से इधर आ ना, क्यों डर रहा है, मैं हूँ ना। पहले ये देखते हैं, ये भी एक रूम है जो आप देख रहे हो, और यहाँ से जो व्यू है काफ़ी प्यारा है, जो सामने व्यू देख रहे हो काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा है। अब हम चलते हैं उसके दूसरे रूम की तरफ। इसमें हम चल रहे हैं तो इसमें दर्दों की आवाज़ आ रही है। हाँ, फयाज को डर लग रहा है, मैं इसको कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी एक रूम है, और इधर हम जाएंगे, इधर आना, क्यों डर रहा है। ये भी रूम है, अब हम जाते हैं पीछे। फयाज की फट रही है बहुत बुरी वाली लगी सिर के अंदर लगी हमारे, और छोटे छोटे और यहाँ गेट इसलिए छोटे हैं क्योंकि गाइज यहाँ के उस टाइम जो रूम हुआ करते थे ना, वो बहुत लोग जो हुआ करते थे एकदम छोटे छोटे लोग हुआ करते थे। और ये लिविंग रूम, ये भी लिविंग रूम ही एक तरह से पूरा, जैसे आप देख। और अभी हम एक और रूम आए, जो भी ये रसोई है, उस टाइम का रसोई है, देख रहे हो आप। सांस बहुत फूल रही है गाइस। और एक रूम इधर ही है ना, ये जो देख रहे हो, जो व्यू, क्या प्यारा व्यू है। सामने दिख रहे हो जो जांगला व्यू है, जांगला विलेज है, वहाँ आज हम स्टे करने वाले हैं। चलते हैं दूसरे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सब इसके टेरेस पर जा रहे हैं हम। वो 10th सेंचुरी में किया गया था, जो कि काफ़ी पुराना है। 10th सेंचुरी आप हिसाब लगा सकते हो, यानी एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं। तो आज 21वीं सेंचुरी चल रही है, और यहाँ का छत है ये टॉप, और उसके टॉप पे हम जाएँ कि ना जाएँ ये बताइए आप पहले मेरे को कमेंट में। मोड़ तो नहीं जाने का, हमको लग रहा डर, फिर क्या करें, जाएँ। अमित भैया जैसे आप वीडियो देख रहे हो, अभी हम जंस्कार से क्रॉस करके बतूम से थोड़ा आगे 35 किलोमीटर जांगला विलेज, जांगला पैलेस में है अभी। अभी मैंने आपसे पूछा ऊपर जाया जाए या ना जाया जाए, तो बताइए चले ऊपर। मुझे तो डर लग रहा है यार, क्या करें, चलो चलो, डर किस बात का, चलते हैं भाई। आ, है।
अच्छा बड़ा बड़ा डर लग रहा है बहुत। माउंटेन ड्यू पी लो, डर के आगे जीते। ये तो मैं ऐसे कूद जाऊंगा। आप हम ऊपर आ चुके हैं, बहुत ही प्यारा व्यू है। और जो देख रहे हो सामने, ये रसोई घर का चिमनी घर है, चिमनी था जहाँ से एयर पास होता था। और जो मेरे पीछे देख रहे हो जो वेली, बहुत सुंदर वेली है। यहाँ पे अमित भैया और शुभम भैया दोनों आए थे, बट वो लोग नीचे से ही चले गए थे और हम लोग पूरा टॉप पे आए, पूरा इसको एक्सप्लोर किया है। सो मोइन, कैसा लग रहा है ऊपर आके? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पुरानी चीज़ों के बारे में जान के बहुत बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप सोचते हो, जैसे आज की जो सुख सुविधा है ना, वो पहले नहीं थी। बस यही चीज़ें समझ नहीं आती इन घरों की, जो हाइट है ना बहुत कम है। पहले के लोग यहाँ पे छोटा हुआ करते थे इस वजह से, और मेरी बहुत ज़्यादा फट रही थी यहाँ पे आने पे, लेकिन जैसे तैसे करके हिम्मत करके मैं ऊपर आया हूँ और अब नीचे जाना है। सो सीढ़ियों से ऊपर तो चढ़ गए हैं, और ये स्टेट सीढ़ी है, नीचे उतरने में फट रही है बहुत ज़्यादा। ये देखो मोइन उतर रहा है नीचे। ये देखो मोइन नीचे उतर रहा है। चलो जैसे तैसे डर डूरा के ऊपर से नीचे आया हो, नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, और अब मोइन वापस गेट बंद कर रहा है। इसी ने खोला, इसी ने बंद करा। मैं इसलिए बंद नहीं कर रहा हूँ ताकि जो यहाँ के भूत प्रेत है ना गाइस, वो इसी को पकड़े, मेरे को नहीं। सो गाइस अब नीचे उतर रहे हैं, आधा घंटा से फोटो क्लिक करवाते करवाते हो चुका है। और फोटो चेक करी, फोटो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, यहाँ हमारे इंस्टाग्राम की आईडी आ रही होगी दोनों की। तो जाके सर्च करिए और पिक्स देखिए इंस्टाग्राम पे, और कुछ रील्स भी है जो काफ़ी बढ़िया है। सो गाइस मिलते हैं अभी नीचे, गाड़ी लेके जाएंगे। जिन भैया से चाबी ली थी उन्हीं भैया के पास जाके देखते हैं, उन्होंने बोला कि होम स्टे हम दे देंगे आपको। सो वहीं उनसे बात करते हैं और क्या चार्ज पड़ता है क्या नहीं पड़ता है, उस हिसाब से देखेंगे। सो मिलते हैं नीचे, ओके। A few moments later. अभी हम जांगला में रुके हुए हैं, जो कि यहाँ से ले है 280 समथिंग, क्योंकि इतना कवर नहीं कर पाएंगे हम, इसलिए हम सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा हमको। और ये जो आप घर मेरे पीछे देख रहे हो, हमने आज स्टे यहाँ पे किया है, ये होम स्टे है एक तरह से, और हमसे चार्ज किया है 1500 रुपए दो बंद में, और का विद फूड। अगर आप जांगला जा रहे हो तो, हम तो थक चुके थे इसलिए हमारा गाड़ी चलाने का मन नहीं हो रहा है अब, तो शाम भी हो गई थी। रात को बाइक चलाना ईजी नहीं होता इतनी, और मेरा सजेशन ये है आपको कि रात को बाइक ना चलाएं, जितना हो सके उतना दिन को चला लें, उसके बाद स्टे कर लें। देखो जान है तो जहान है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हम वहाँ ऊपर गए थे, आपको बताया था अभी, जैसे आप वहाँ देख रहे हो ये इस जगह, यही है जांगला पैलेस। और अभी हम ऊपर जाते हैं, आपको रूम दिखाते हैं, रूम कैसा मिला हमको। एंटर कर चुके हैं, तो आप देख सकते हो रूम कैसा है। रूम काफ़ी अच्छा है बजट के हिसाब से, हमारे बजट के हिसाब से जो हमने प्राइस दिया। और ये हमारे भैया हैं, क्या नाम भैया आपका? सेंजिंग। सेंजिंग, थैंक यू हमारा थोड़ा प्राइस कम करने के लिए। और देख लो, दो दिन हो चुके हैं, हमने चैन की नींद नहीं ली है। कल टेंट में सोए तो नींद नहीं आई थी हमको, रात भर सिर दर्द कर रहा था, और डर सा भी लग रहा था कि बाइक से कोई सामान चुरा के ना ले जाए, है ना फयाज? डर लग रहा था। बड़े तेज हो रहे हो, बड़े तेज हो रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब पहले मैं खाना खाएंगे, पहले थोड़ा हाथ पांव धो लेते हैं, सुबह नहाएंगे क्योंकि यहाँ ठंडा पानी है, नहाने की हिम्मत हम नहीं कर सकते। और सुबह नहाएंगे उठ के जल्दी, और जैसा आप देख रहे हो मेरी डैडी भी बहुत जल्दी बढ़ रही है यहाँ पे, पता नहीं क्यों, ये समझ नहीं आ रहा, यहाँ जो बाल है ना बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। मैं आपको व्यू बता देता हूँ कमरे का पूरा। ये है हमारा बेड, जो कि कंफर्टेबल तो नहीं है तो भी ठीक है, काम चल जाएगा हमारा। और ये जो सामने से व्यू आप देखिए, ये माउंटेन का व्यू है, इस तरफ से भी है, तब प्यारा व्यू है, और इस तरफ से भी है, जो अभी हम आपको बता के आए थे, जो जांगला पैलेस देख आए थे, वो चीज़ बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, वही है पैलेस, ये वहाँ से दिख रहा जो।
ये जूम करके बताता हूँ आपको, वो रहा पैलेस, काफ़ी अच्छा पैलेस था मैंने आपको बताया। हमारी बाइक वो खड़ी है, जकीरा और पैंथर दोनों। ये रूम इसलिए लिया हमने ताकि हम यहाँ से उसकी निगरानी रख सके, चोरी का डर ना हो। और अभी आपने देखा हमने पेट्रोल फिलिंग करवाई, बिकॉज हम पीछे थे जब पेट्रोल फिलिंग करवा रहे थे, तो हमने सोचा आगे से करवा लेंगे, लेकिन हमको नहीं मालूम था कि लद्दाख जाते हुए यहाँ लद्दाख 80 किलोमीटर हमको बता रहा था, क्योंकि वो पुराना लद्दाख है जो बन रहा है अभी, और जो लद्दाख है मेन वो यहाँ से 280 किलोमीटर, हमसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, तो 180 किलोमीटर समथिंग है शायद, सॉरी। अब हमको आ रहा है गुस्सा, तो हमने सोचा 70 किलोमीटर हम चल जाएंगे, आराम से घूमेंगे, मज़ा करेंगे, बट ये नहीं हो पाएगा। यह लद्दाख है, पहली बार आए हैं और नई नई चीज़ सीखेंगे, अगली बार आएंगे तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि पेट्रोल फिलिंग कहाँ करवानी चाहिए, कि पेट्रोल फिलिंग कहाँ करवानी चाहिए। जब आप आओ पदुम में, पदुम की साइड, पदुम में फिलिंग करवा लेना, क्योंकि वहाँ से 220 किलोमीटर समथिंग, 220 किलोमीटर समथिंग ले है, तो वहाँ से करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं करवाओगे फिलिंग तो काफ़ी टाइम लग सकता है आपको। भैया अभी लाए हैं हमारे लिए चाय, जो बहुत प्यारे कप लग रहे हैं, और भैया ने अभी कॉम्प्लीमेंट दिया है शेख को, जो विराट कोहली लग रहा है लेकिन अभी विराट कोहली का ये अभी विराट कोहली नहीं है, खराब चल रहा है अभी। सो भाई भैया थैंक यू हमारे लिए चाय लाने के लिए, और आइए थोड़ी देर बाद वापस, अपन यहाँ पे थोड़ा चिल करेंगे। पक्का पक्का। तो गाइस ये हमारे लिए चाय आई है अभी, मिल्क टी, इनको पता है क्योंकि हम राजस्थानी है तो मिल्क टी पीते हैं, यहाँ के लोग ब्लैक टी पीते हैं ज़्यादातर, अभी ब्लैक टी पीते हैं, उसके बाद सोने का टाइम हो रहा है हमारा, लेकिन उससे पहले खाना खाना भी जरूरी है, मन तो कर रहा है सो जाएं चाय पी के। पास मिला। So guys, ऐसा सुकून मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, सुकून चाय पीने से। तो गाइस जैसा मैंने आपको बताया था, अब हम खाना खाने जा रहे हैं, जो खाने के अंदर है ये बैंगन की सब्जी है, दाल है और दाल है, रोटी है और चावल है, और एक ये फयाज है ये खाने के अंदर नहीं है, बाकी जो चार आइटम बताया मैंने वही खाने के अंदर है। हम खाना खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं रूम के अंदर। अब खाना खाए बाद सोएंगे, क्योंकि रेस्ट करना बहुत जरूरी है, तभी हम सुबह बाइक चला पाएंगे। अगर बाइक नहीं चला पाएं तो हम अपनी मंजिल नहीं पहुँच पाएंगे, मंजिल पर नहीं पहुँचेंगे। तो अभी आप टाइम लैप्स का मज़ा लीजिए, और मज़े के साथ मज़ा लीजिए, ऐसे एनर्जी के साथ मज़ा लीजिए, ऐसा नहीं कि एकदम सुस्त, नहीं, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। जैसा कि आपने देखा हम लोगों ने खाना खाया, भैया हम इस होटल में गर्म पानी देके गए हैं, जो कि काफ़ी प्यारा लगा हम लोगों को, कि हम लोगों का इतना यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है, और भैया बहुत ही हेल्प भी कर रहे हैं हम लोगों की। खाना काफ़ी अच्छा था, घर वाली फीलिंग आई, क्यों शेख? बिल्कुल सर, मज़ा आया ना खाने में? बिल्कुल सर, बहुत मज़ा आया, घर वाली फीलिंग आई, और काफ़ी दिनों बाद हमने चैन से खाना खाया है, और भैया काफ़ी अच्छे, मतलब शर्म के मारे खाना नहीं खाते कभी, क्या हमारे खाने के थे, हाँ बस मामा जी के थे घर पर, तो वहाँ अच्छा खाना खाया, बाकी कई जगह से खाना अच्छा नहीं मिला हमको। और भैया के साथ में हम लोगों ने खाना खाया, एक घंटे हम लोगों ने ऐसी बात करने में ही लगा दिया बहुत सा, और ये बहुत अच्छा भी लगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जिस पैलेस के अंदर घूम के आए हैं ये उन्हीं की पीढ़ी है, जिसके घर पे हम, जिनके होम स्टे में रुके हैं उन्हीं की पीढ़ी है ये लोग। तो आप जब भी आओ जांगला पैलेस देखने के लिए, तो आप जैसे ही चढ़ते हो आप यहाँ से चाबी जरूर ले, क्योंकि वहाँ लोग लगा होगा, और यहाँ चाबी जरूर ले। और एक कमाल की बात बताता हूँ, हमारे साथ बहुत बड़ी चोट होगी, हम पैलेस देख के आए नीचे ठीक है, और पैलेस देख के आए बट चाबी वहीं भूल के आ गए, फिर हमको जाना पड़ा, फिर चढ़ना पड़ा, फिर जाके वापस चाबी ढूंढी, फिर लेके आए, हमारे से डबल मेहनत होगी, और फिर ऊपर चढ़े, फिर सांस फूल रही थी हमारी, थक गए थे। खैर कोई बात नहीं, गैर कुछ चीज़ फोटो शूट करा का है, ऐसी बात नहीं है। हाँ गाइस ठीक है गाइस, ऐसा आपको कोई हो तो चाबी आप जरूर लेना, घर वालों से पूछना, यहाँ पे जो लोकल है उन सबसे पूछना कि चाबी कहाँ मिलेगी, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर यहाँ पे आए, बहुत से लोग यहाँ पे आए जो वहाँ टैरेट चले जाते हैं, लेकिन उन्हें चाबी मिलती नहीं है, और वो लोग वापस रिटर्न ऐसे खाली आते हैं, और आप लोग कुछ बातें शेयर करते हैं कि यहाँ पे हमें चाबी मिली नहीं, यहाँ पे हमें ऐसा हुआ, यहाँ चाबी देते नहीं है, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है,
चाबी आपको मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे आपको पूछना पड़ेगा यहाँ पे कि चाबी किसके पास है किसके पास नहीं है। क्या नाम बताया था उन्होंने? तो इनका नाम हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन जो घर है मैंने वीडियो बताया था, आपको बताया था जस्ट, मैंने थोड़ा पीछे करी वीडियो, उसके अंदर बताया था भैया से मिलवाया था। हाँ, आप पहले आइए चाबी लीजिए फिर ऊपर जाइए, क्योंकि ऊपर हमेशा लोग रुकते हैं, इनका इनका ही पैलेस है और ये इनकी अंड मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी और की नहीं है, अभी ओन यही कर रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं आपसे सुबह, अब जा रहे हैं चैन की नींद सोने एक साथ। गुड नाइट, गुड नाइट।